हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैंने बनाया था नारियल और सूखे मेवे का टेस्टी और हेल्दी हलवा। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। और उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इस मेहनत को आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो प्लीज़ मेरे लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो मैं फिर नए नए वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मूंग दाल और उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनना है तब तक जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब हमारा मूंग दाल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। आप इसका पेस्ट जो है वो अच्छी तरीके से बना लेना, इसको दरदरा मत रहने देना। उसके बाद हम लेंगे गुड़ और नारियल, दोनों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि कद्दूकस कर लेंगे। उसके बाद ये रहा हमारा मूंग दाल का पाउडर, ये रहा नारियल और ये रहा हमारा गुड़ ग्रेटेड यानी घिसा हुआ। इन सभी को हम एक जार में डालेंगे और अच्छी तरीके से मिलाकर पीस लेंगे। और हम लेंगे इलायची, उसको भी कूट कर डाल लेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो डाल लेना, वरना कूट के डाल लेना, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। फिर हम उसके अंदर डालेंगे चावल का आटा और डालेंगे उसमें रॉक सॉल्ट यानी कि काला नमक और पानी डालेंगे अपने अकॉर्डिंग और उसको एकदम अच्छे से पीस लेंगे। पीस लेना है और जो उसका पेस्ट है वो दरदरा नहीं रहना चाहिए, उसका पेस्ट कुछ ऐसा बनकर तैयार हो जाना चाहिए। देखिए ये रहा हमारा पेस्ट, एकदम फाइन बनकर तैयार है। उसके बाद हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे अपने अकॉर्डिंग घी और घी डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। जब वो गर्म हो जाए उसके अंदर हम अपना ये वाला पेस्ट डाल देंगे और अच्छी तरीके से पकाएंगे। हमें इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक पका लेना है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। हमें अपने हलवे को मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छी तरीके से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक उसका पानी अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो जाता है और वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाता। तब तक हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। हमारा हलवा देखिए अब लगभग अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे एक दूसरा पैन और उसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को यानी सूखे मेवों को भून लेंगे। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे घी, जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर हम लेंगे किशमिश, मखाने, बादाम और नारियल। बादाम और नारियल को हमें टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद ये रहा हमारा घी, अच्छी तरीके से पिघल गया है। अब हम इसमें सारे अपने ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे और अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब तक हमारे मखाने भून रहे हैं, प्लीज़ अभी तक आप में से जितने लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक सेकंड का टाइम देकर सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आती हूँ और वीडियो को टाइम से डालना, एडिट करना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे मेहनत को समझिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये रहे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे थे, वो अच्छी तरीके से भुन गए हैं। फिर हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर जब हमने हलवा तैयार किया था उसमें इसको डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमें अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है क्योंकि जब ये मिक्स हो जाएगा तो हमारा जो हलवा है और ड्राई फ्रूट है दोनों पके हुए हैं। फिर हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाना और खाना, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये रेसिपी मेरी मम्मी ने मुझे बताया। पहले मुझे लगा कि क्या पता ये टेस्टी हो ना हो, ट्राई करके देखते हैं। मम्मी ने बोला चलो एक दिन तुम्हें मैं बना के खिलाती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने बोला ठीक है मम्मी बनाओ, और उन्होंने बनाया। आप यकीन मानो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और ये हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें हमने गुड़ डाला होता है।
और इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और ये टेस्टी होता है। आप चाहो तो इनको और सुखाकर इनके लड्डू भी बना के रख सकते हो, वो भी आपकी चॉइस है। ये भी वो भी बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर आपको कमेंट में कोई और वीडियो का सजेशन देना हो तो आप दे सकते हो। मैं उसकी सबसे ईजी रेसिपी बनाती हूँ आप सभी के लिए।